हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशन विद साहिल चाल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी टेट के परीक्षा के बारे में। अभी तक दोस्तों परीक्षा अक्टूबर में होनी थी, तो कुछ कारणों के कारण अब परीक्षा नवंबर में होनी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, आज का ये न्यूज़पेपर है, इसमें दिया गया है कि यूपी टीटी 2019 अब नवंबर में होने के आसार है, यानी कि अक्टूबर में अभी तक इसकी डेट आई थी तो अब नवंबर में होनी है। देखते हैं क्या है इसमें। यूपी टीटी 2019 के अक्टूबर में होने की उम्मीदें खत्म हो गई, यानी कि अक्टूबर में अब परीक्षा नहीं होगी, ये परीक्षा अब नवंबर में ही होने के आसार है। वजह, अब तक इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लेने का कार्यक्रम तय नहीं हुआ है। यह जरूर है कि NIC के साथ परीक्षा संस्था की बैठक इसी हफ्ते होनी थी, यानी कि फ्रेंड्स इसकी बैठक इसी सप्ताह में होनी थी, तो कुछ कारणों की वजह से बैठक नहीं हो पाई है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी UPTET कराता है। परीक्षा संस्था कई दिन पहले ही इस संबंध में भेज चुकी है। माना जा रहा है इंतजाम दशहरे के बाद अक्टूबर में होना, यानी कि अब दोस्तों दशहरे के बाद ही आपका एग्जाम होगा। अब तक परीक्षा संस्था और NIC की बैठक नहीं हो सकी, इसलिए बैठक अहम है कि परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन NIC की वेबसाइट पर ही लिए जाने हैं। NIC की सहमति के बिना आवेदन लेने का कार्यक्रम नहीं हो सकता है। अब NIC की बैठक पर रजामंदी दी है जो इसी सप्ताह होनी है, उसमें ऑनलाइन आवेदन व परीक्षा की संभावित तारीखें तय होंगी। सितंबर माह शुरू हो चुका है, छुट्टियों के कारण परीक्षा अक्टूबर में होना संभव था, यानी कि इसी सप्ताह में आपकी डेट दे दी जाएगी, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे सारा कुछ दे दिया जाएगा इसी सप्ताह में। कोई भी अगर जानकारी आती है तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी जरूर दूंगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।